फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूं यूजीसी नेट एनटीए यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इसमें हम इतिहास के कुल 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने यूजीसी जो नेट के एग्ज़ाम है उसको देखते हुए तैयार किए हैं। तो चलिए आज का पेपर सॉल्व करते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मोबाइल पर मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री के और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से लिंक के थ्रू और भी इतिहास के क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैंने अभी तक लगभग 150 क्वेश्चंस अपलोड 150 वीडियो अपलोड किए हैं। तो उन वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो लिंक दिए गए हैं उनके थ्रू जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये तो मैं करा चुकी हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये होगा ए निकोटीन, यानी सी वाला ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मध्य एशिया का कौन सा क्षेत्र अरबी भाषा में मावरून नहर कहलाता था? तो मावरून नहर कहलाता था, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाला, ट्रांस ऑक्सियाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। और निम्न में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है उसे हमें पहचानना है। फ्रेंड, एक और बात मैं बता दूं, अगर आपने प्रैक्टिस सेट पूरे लगा लिए जो मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, तो आपको नेट के इस वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस रिपीट ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो ये जो भी मैं क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ उसे एक बार तो ज़रूर देखिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें सही कथन को पहचानना है। ए है, हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी। ये बात सही है, तो हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। फिर बोल रहा है, हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया। ये भी बात सही है, करेक्ट कर लेते हैं। आगे देखते हैं, हुमायूं अपने सैन्य अभियान के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकें ले जाया करता था। ये भी बात सही है, तो हमारा जो आंसर इसे बनेगा डी वाला हो जाएगा, कि सभी की सभी जो भी कथन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन नंबर 28। दीन ए इलाही प्राथमिक रूप से था, तो दीन ए इलाही प्राथमिक रूप से था विश्व समरता के सिद्धांत को दोहराना, यानी सी वाला ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 29। सामान्य आकलन के अनुसार 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत था? तो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत था 16वीं और 17वीं शताब्दी में वो था डी वाला हो जाएगा, लगभग 85%। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार करने के बाद हमें क्या करना है, उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? अच्छा, हमें सही कथन को पहचानना है। नंबर 1 है, जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह के निधन के फलस्वरूप राठौर विद्रोह हुआ, ये गलत है, तो इसे क्रॉस कर लेते हैं। फिर सेकंड नंबर पर कह रहा है, औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया, ये सही है। आगे देखते हैं, थ्री नंबर, राठौर विद्रोह औरंगजेब के जोधपुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने की योजना के फलस्वरूप हुआ, ये गलत हो जाएगा, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। फिर फोर नंबर है, रानी हार्डी के को विद्रोह में राठौर और मेवाड़ के राजा राणा जय सिंह ने समर्थन दिया, ये सही है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो होगा सेकंड नंबर और फोर नंबर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो
तो सही उत्तर का चयन करना है हमें इसे क्रम में लगाते हुए। तो सबसे पहले जो हो जाएगा रिंग फेस नीति ही सबसे पहले हो जाएगा, इसके बाद आएगा अधीनस्थ पार्थक्य नीति 2 नंबर पे, इसके बाद हम रख सकते हैं अधीनस्थ संघ नीति यानी 3 नंबर पे, और समान संघ नीति आ जाएगा 4 नंबर पे। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले रिंग फेस नीति, फिर अधीनस्थ पार्थक्य नीति, अधीनस्थ संघ नीति और समान संघ नीति, इस क्रम में आप लगा लीजिए तो आपको आंसर नीचे मिल जाएगा। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्न में से किस अधिनियम के जरिए चीन के व्यापार पर एकाधिकार खो दिया? तो एकाधिकार खो दिया था, एक मिनट, खो दिया था वह अधिनियम था 1833 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें इसमें से गलत कथन को पहचानना है। चलिए कथन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है ए, अमृत बाजार पत्रिका मूलतः एक बंगाली समाचार पत्र था, ये बात बिल्कुल सही है। फिर आगे देखते हैं, बी नंबर है जन सभा का समाचार पत्र समाचार दर्पण वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया था, ये ही गलत है, हमारा आंसर यही बनेगा। आगे का देखते हैं, सी नंबर है बम्बई टाइम्स का नाम ही टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये सही है। फिर डी कहता है साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स अगस्टन हिकी ने शुरू की, ये भी सही है। तो हमारा जो इसमें बनेगा आंसर वो बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर सूची एक को सूची दो से हमें सुमेलित करना है। इलाहाबाद संधि हुई थी 1765 में, ये 2 नंबर से हो जाएगा। मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। फिर पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में, और मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। तो इस तरह से आप मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन है उपनिवेशवाद की संक्रमण प्रक्रिया 1757 से 1856 लगभग एक शताब्दी से चल रही थी, तो ये बात सही है, हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। और रीजन दे रहा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन तमाम क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो प्रत्यक्षता उनके नियंत्रण में थी, तो ये गलत हो जाएगा, सिम क्रॉस कर लेते हैं। तो हमारा जो उत्तर बनेगा ए सही और आर गलत। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण क्या था? तो जो कारण था उन्हें हमें पहचानना है। ए है असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग, ये कारण था, ये सही है। फिर उसके बाद दे रहा है बी है राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया, ये भी बात सही है। फिर सी है नई राजस्व नीति के लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे, तो ये भी हो जाएगा एक कारण। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा उपयुक्त सभी वाला हो जाएगा, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद है सूची एक को सूची दो से हमें सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। इसमें ए नंबर है सर सैयद अहमद खां की मृत्यु, तो सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हुई थी 1898 में, तो यहाँ हम कर लेते हैं 1898 यहाँ पे दिया है 2 नंबर पे। फिर मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन विली को गोली मारकर हत्या की, तो ये घटना हुई थी 1909 में, यानी 3 नंबर से हो जाएगा। फिर सी नंबर है चापेकर बंधुओं ने क्रूर प्लेग आयुक्त रॉड और ले आयस्टेन की हत्या की, तो यह हत्या की थी 1897, मतलब ये 1 नंबर से हो जाएगा। और सबसे लास्ट में दिया है जॉर्ज पंचम ने के सम्मान में दिल्ली में राज सिंहासन दरबार आयोजित किया गया, तो यह आयोजन हुआ था
1911 में, यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन कहता है, मैं काले का विधि आयोग जो 1860 में गठित हुआ, उसने भारत के पूर्वीय निरंकुशतावाद की धरती के विचार को मिटा दिया। ये जो बात है ये सही है, कथन पूरी तरह से करेक्ट है, हम करेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दिया हुआ है रीजन, समता और न्याय को निरुक्ता शासकों के अंध और कठोर न्याय के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। ये भी सही है, तो हमारा जो इसमें आंसर बनेगा ए आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी दे रहा है। देख लेते हैं हम ऑप्शन, इसमें बन जाएगा सी वाला ऑप्शन, ए आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 39, इसमें सूची एक को सूची दो से हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले है वह राम जी मालाबारी, ये हो जाएंगे पारसी, यहाँ पे 3 नंबर से पारसी समाज सुधारक। फिर डांडो केशव करवे, ये हो जाएंगे नारी मुक्ति से, यानी 1 नंबर से कंडू करी वीरेशा लिंगम, ये हो जाएंगे 4 नंबर से, यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह अभियान। गुरजादा अप्पा राव, ये हो जाएंगे यहाँ पर 2 नंबर से कन्या शुल्कम से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन जस्टिन पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो जो संबंधित नहीं थे वे थे तन गुटीर प्रकाशम, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, नाभा और जिद के शासकों ने रणजीत सिंह की अधीनस्था स्वीकार किए जाने के प्रतीक के रूप में उन्हें क्या भेंट दी। तो जो भेंट दी थी वो थे कीमती उपहार। और 42, उस पत्रिका के नाम का चयन कीजिए जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें बोल रहा है जिससे वे संबंधित नहीं थे उस पत्रिका का हमको सिलेक्शन करना है। तो इंडियन मिरर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया, ये गांधी जी द्वारा ही संबंधित है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देसी रियासतें दी गई हैं और तोपों की सलामी का अधिकार दिया गया है। तो कौन से रियासत को कितनी तोपों की सलामी दी जाती थी, तो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है सांगली को दी जाती थी 9, यानी 2 नंबर से कनेक्ट हो जाएगा। फिर ग्वालियर हो जाएगा, ग्वालियर को 21, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दी जाती थी। और धौलपुर में हो जाएगा 15 और कच्छ में हो जाएगा 17, ये 1 नंबर से। मैं फिर से बता देती हूँ, सांगली 9, ग्वालियर 21, धौलपुर 15, कच्छ 17। तो इसके अकॉर्डिंग आप नीचे अपना आंसर बना सकते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44, क्लाइमेट एटली को हम किससे संबंधित करेंगे। क्लाइमेट एटली हो जाएंगे यहाँ पर कैबिनेट मिशन से। फिर माउंट बैटन हो जाएंगे प्लान बल्कन से यहाँ पे। और लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे अगस्त ऑफर से। और वॉवेल हो जाएंगे ब्रेक डाउन प्लान से। इस तरह से आप मैच कर लीजिए। आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी असन्न समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा। तो वह समस्या जो थी, मैं सीधे आंसर बता देती हूँ, डी होगा, सांप्रदायिक एवं शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ा था जब भारत का विभाजन हुआ था। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, इसमें हमें सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। लुसियन फेवरे हो जाएंगे 4 नंबर से यहाँ पे। द रीजन ऑफ फ्रांस, फ्रैंक कामटे और मैक्स ब्लॉक हो जाएंगे
टू नंबर से द हिस्टोरियन क्राफ्ट एमानुएल एल आर लडूरी, ये हो जाएंगे वन नंबर से द पीजेंट ऑफ द लेग्यू डोकी डोक सॉरी फर्नार्ड ब्राडल, ये हो जाएंगे थ्री नंबर से द मेडिटेरेनियन। क्वेश्चन नंबर 47, इतिहास लेखन में प्रगति का विचार निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह प्रगति का विचार संबंधित है प्रबोध से, यानी बी वाला हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48, समग्र इतिहास की संकल्पना निम्नलिखित इतिहास लेखन विचारधारा में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है काल वृत्त विचारधारा से, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वाला, काल वृत्त विचारधारा। फिर क्वेश्चन नंबर 49, गुट निरपेक्ष की नीति का प्रमुख निर्धारक थे, तो कौन प्रमुख निर्धारक थे? एक मिनट, इसके निर्धारक थे नस्लवाद के विरोध, नस्लवाद का विरोध, और बी राजतंत्र का विरोध, यानी ए बी दोनों ही होगा, सी वाला वैसे ऑप्शन होगा इसमें। इसके बाद 50, लास्ट क्वेश्चन है ये, द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन नामक पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक हैं डी एफ फ्लेमिग, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो यहाँ हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आप बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेंगे तो जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मोबाइल पर मिल जाएगा। और ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो वहाँ मैंने मोस्टली हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जाकर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।